मंत्री पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए बता दें। हमने कहा है, हमने तो सरयाम आपके चैनल पे कर रहा हूँ, मेरी आपसे घोर निंदा कर रहा हूँ, बयान वो वापस ले, और मुझे लगता है वापस भी लिया है। उनको हटा देना चाहिए, वो कार्रवाई संविधान प्रदत्त होनी चाहिए, जो संविधान प्रदत्त नहीं, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी होगी, आपके कहने से कार्रवाई नहीं होगी, ये उनको बयान वापस लेना चाहिए। ये बात मैं आपके सामने, बयान वापस लेने से क्या होता है, क्या कार्रवाई की भाजपा के पांच लोगों से पूछिए ना, पांच लोगों से पूछिए ना क्या कार्रवाई की है, आप बोलिए ना इनसे, अभी इमीडिएट सारे लोगों पर कार्रवाई करें, और हम लोग डिमांड करेंगे कि कांग्रेस के अधिकृत तौर पर अभी क्या होना चाहिए, कार्रवाई हटा देना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग हैं इन पर भी जरा कार्रवाई हटा देना चाहिए ना, एकदम कार्रवाई होगी। से मैं पूछूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी बीजेपी को लेकर जो सवाल उन्होंने खड़े किए जवाब दीजिए। कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं, किया कोई कार्रवाई अभी तक जी? आर यू राजदास चित्रा जी, आपसे सिर्फ इतनी विनम्र प्रार्थना है, मेरे बीच में मृत्युंजय तिवारी लगातार बोले, मृत्युंजय तिवारी मेरे बीच में लगातार बोले, आपने उनको चुप नहीं कराया, अब नहीं बोले, और मेरा माइक ऑफ कर दिया। नहीं नहीं अब नहीं बोलेंगे, तो विचित्र तरीका है कि नहीं, वो लगातार बोले और मेरा माइक मेरी बात नहीं पूरी होने दी गई, माइक ऑफ नहीं किया था, आपकी बात जा राम भक्तों पर प्रहार और जो है रामद्रोहियों को जो है लगातार जो है, सर कुछ चीजें ना चैनल के विवेक पर छोड़कर उस पर भरोसा करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपका माइक कहीं पर भी ऑफ नहीं किया गया था, आप जो बोल रहे थे वो लगातार किया है चैनल पर, आप उस पर नहीं जाते हैं, उस पर नहीं जाते हैं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए वरना समय खत्म हो जाएगा। पूरा 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 नहीं पूरा भरोसा, इसीलिए तो आपसे बात रख रहा हूँ। नहीं कृपा कृपा करके मुझे बताइए, ये कह रहे हैं नरेश अग्रवाल भाजपा में रहते हुए इस तरह का बयान नहीं दे सकते, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता प्रभु रामचंद्र जी भगवान के किसी भी देवी देवता के विरुद्ध कोई इस तरह का बयान नहीं, तो ऐसी मानसिकता वालों को भाजपा करने का क्यों बना लेते हैं? राहुल गांधी मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, औकात आपको राहुल गांधी खिलाफ कार्रवाई कर देने की? और मुझे कृपा करके बताइए ना, अभी इस मामले में कांग्रेस गठबंधन की हिस्सेदार है, कहे कि इस मंत्री को ड्रॉप करो, कांग्रेस जो है कह रहा हूं कि कार्रवाई क्या हुई, राम जी को ठर्रा कहने वाले, राम कहने वाले, हनुमान जी को ठर्रा कहने वाले, मंत्री का हिस्सेदार होने के साथ राज्यसभा में उनको निष्कासित करने की कार्रवाई करेंगे कि नहीं? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए बताइए ना, जैसे क्यों नहीं हुई, हमने कभी राज्यसभा में नहीं, आज भी राज्यसभा में वहाँ पे जो इनके मेयर है अयोध्या में क्या किया, कभी राज्यसभा ने 4000 वर्ग मीटर की जमीन को 28000 वर्ग मीटर लोगों का चंदा का चूना लगा दिया, धर्म और आस्था के नाम पर व्यापार किया गया, एक कार्रवाई नहीं है राज्यसभा में भी भाजपा में भाजपा ने कभी राज्यसभा नहीं भेजा, अच्छा भाजपा में है ना भैया, आप ही के पास कभी नहीं भेजा, ये धरोहर आप ही के है, हमारे नहीं है, कांग्रेस में वो जरूर मंत्री थे, भाजपा ने उनको कभी कोई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको कभी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, वो कांग्रेस में मंत्री थे, सपा में सांसद रहते समय, चूंकि सपा आरजेडी कांग्रेस इस तरह के लोग प्रभु रामचंद्र जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने में स्वयं को धन्य पाते हैं, ये कुकर्म जो है राहुल गांधी से लेकर श्रीमान चंद्रशेखर तक है, इसकी लगातार श्रृंखला रही है, राज्यसभा में अब प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया पर राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आज क्या कहेंगे, हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की हिम्मत है, नैतिकता है, तो कांग्रेस चूंकि गठबंधन में सरकार की हिस्सेदार है, और चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर को पार्टी से निकालने की मांग करे, वो मांग आप नहीं कर सकते, एक का उत्तर नहीं मिला, एक पर भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, सारी नेतृत्व हमारी आगे बढ़ते हुए जरा मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, परंपरा की रामचरितमानस पर सारा इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ठीक है दोनों लोगों की बात हो गई, भागता नहीं हुआ मैं राजदास जी, जो मंदिर जाने वालों को लड़कियां उसके कुकर्म के विरुद्ध कार्रवाई, ये बताइए अब विनम्रता से क्या होना चाहिए कार्रवाई शिक्षा मंत्री के खिलाफ? पहले तो मैं विनम्र स्वभाव से मैं बोलना चाहूंगा, ये हमको तकलीफ था, कष्ट था, इसके नाते मैंने कहा, आप समझ सकते हो जो रामचरितमानस हर घर में हर जन जन को एकाध दो चौपाई हर व्यक्ति को याद है, सियाराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाने, राम और रामचरितमानस किसी के किसी भी प्रकार कोई दुर्भावना नहीं सिखाती है प्रभु, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मुझको तकलीफ है, कष्ट है, इसके नाते में बोला, दुख इस बात के है, कभी ठीक है, जिम्मेदारी इन लोग ठीक रहा बीजेपी पे फोड़ दे रहे हैं, भाई तत्काल प्रभाव से आप हटा दो ना मंत्री जी को, आप ही राम भक्त हो जाओ, तुरंत हटाइए कि माननीय मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से एक शैक्षिक संस्था में एक शिक्षा मंत्री होने के बावजूद
ये भाव ये भाषा उनका निकलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मैं अपील करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से, इस मंच पे बैठे जितने प्रवक्ता है उनसे अपील करता हूं, ये रामचरितमानस और भगवान राम किसी पार्टी की नहीं, आपके भी हैं। आप ही तो ठेकेदार बीजेपी को बना दे रहे हो, आज बीजेपी चिल्ला रही बोल रही है, आप क्यों नहीं बोलते? आप तो कह रहे हो कि नहीं उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उनका भाव कहने का दूसरा था। अरे सीताराम सीताराम इसमें भी भाव निकाल लो, राम और रामत्व में फर्क निकाल लो, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क निकाल लो, मानव और मानवत्व में फर्क निकाल लो। अरे अगर मानव है तो मानवीय गुण नहीं रहेगा तो बेकार हो जाएंगे। तो इसके नाते अपील है चित्रा जी, निवेदन है तत्काल प्रभाव से ऐसे लोग को बर्खास्त किए जाए।